चंदौली से है, जहां लाभार्थियों के आवास का पैसा उनके खाते से बिना लाभार्थियों की जानकारी के निकाल लेने का मामला सामने आया है। लाभार्थियों के जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को जांच कर कार्यवाही का आदेश दिया है। दरअसल पूरा मामला चकिया विकास खंड के पिपरिया ग्राम पंचायत का है, जहां लाभार्थियों को 8 महीने पहले आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है। रखा भी कैसे जाएगा जब ग्राम प्रधान ने बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाकर आवास का पैसा निकाल लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आवास का एक ईंट भी नहीं रखा गया तो दूसरी और तीसरी किस्त कैसे निकल गई? जबकि आवास का कार्य लेंटर तक हो जाता है तब उसका फोटो खंड विकास अधिकारी के यहाँ भेजा जाता है, उसके बाद जियो टैग होता है तब जाकर दूसरी किस्त जारी की जाती है, लेकिन यहाँ तो बिना एक ईंट रखे ही दूसरी किस्त जारी कर दी गई। जब मामले के बारे में डीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया मामला मेरी संज्ञान में आया, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि 24 घंटे के अंदर जांच कर विधिक कार्यवाही करेंगे और पीड़ित के मामले का तत्काल निस्तारण होगा और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंगूठा लगा के कैसे पैसा निकाल लिया गया? लोग अपना जैसे कि चलिए भाई मनरेगा में 2-3-4 दिन काम किए हैं, मनरेगा का पैसा निकलवाना है, लिया जाते हैं अपना बिल डाल भर देते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, कुछ उसमें मैनेजर लोग की मिली भगत होती कि अंगूठा लगवा लिए बिल डाल पे, इसके बाद साइड से पैसा लोग दे देते हैं, इस तरीके का भी मामला है। हम सोनहुल वाले में देखे एक लाभार्थी का 3 खाता एक ही बैंक में, जैसे शालिक राम का यही था कि उनके पास 2 खाता था, वो दौड़ते रह गए 8 महीने से, उनके खाते में पता नहीं चला कि पैसा कहाँ, हम गए बैंक में तो कहीं इस खाते में तो पैसा नहीं आया आवास का, फिर गए हम ब्लॉक पे पूरी नेट खोलवाए, सूची देखे तो उनके खाता नंबर दूसरा बता रहा, फिर हम आए मैनेजर साहब के पूछे कि सर का एक आदमी का एक बैंक में 3 खाता हो सकता है, ऐसी बात तो नहीं कि आपके बैंक में है, तो वो खाता नंबर देखा गया तो उसमें पैसा था, वो अगला 8 महीना से दौड़ रहा था, उसका पैसा निकला पहला किस्त निकलवा कर ले तो कुछ अपना पैसा लगवा करके 76 तक पूरा किया था, तो उस दिन उसका पैसा मैंने लेटर वीडियो सबसे बनवाया तो उसका पैसा निकला है। आप लोगों ने कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी से की है शिकायत? तो पहले डीएम साहब से किया गया, आज के 15 दिन पहले किया गया, उस दिन वीडियो साहब से सारी बात सारी घटना को बताया गया कि इस तरीके की घटना है, लेकिन वीडियो साहब बहुत इंटरेस्ट नहीं लिए हैं, नहीं गए गाँव में। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय कहे हैं कि जा रहे हैं पिपरिया में, जाँच होगा, जो गलत किया रहेगा उसके बहुत कार्रवाई होगी। आपका चिंता कहाँ की रहने वाली है? सुपा का। आज आप डीएम साहब के यहाँ आई हैं शिकायत लेके, क्या शिकायत थी आपकी? वो आवास का पैसा दो किस्त प्रधान ने निकाल ली। कैसे प्रधान ने पैसा आपका निकाल लिया? दस्तखत हाथ से मैं लेके। दस्तखत की अंगूठा? हाँ अंगूठा। तो कहीं लेकर गए थे बैंक वैंक पे कि घर पे ही निकाल लिए? घर पर ही निकाल लिए। अंगूठा लगा के निकलवा लिया? हाँ। तो इसकी शिकायत डीएम साहब से आपने की तो क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बोले कि कार्रवाई मथा पर। क्या बोले प्रधान जी, कैसे पैसा बोल के निकलवा लिए? बोल के निकलवा लिया कि हम नरेगा के माध्यम से निकलवा लेते हैं पैसा। शिकायत आपने कहीं की थी इससे पहले? हाँ शिकायत की है डीएम साहब कहाँ। कितने दिन पहले? अरे हो गया 4-5 दिन पहले। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब कहें चलो भाई इंक्वायरी होगा। और आज क्या बोले डीएम साहब? आज कहें कि चलो भाई तुम्हारा जो है कि जाँच होगा। और पैसा घर पे निकाला गया है कि बैंक में ले जाके निकाला गया? नहीं बैंक पे निकाला गया है। बैंक में? हाँ। कितना किस्त आया था आपका? 3 किस्त के लगभग। तीनों किस्त आ गया था? हाँ। और एक भी ईंट रखा नहीं गया है? एक भी ईंट नहीं रखा गया है। आवास का पैसा लाभार्थियों को धोखे में रख के निकाल लिया गया है, सर क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज पिपरिया गांव के संबंधित एक लाभार्थी चिंता देवी जी आई हैं और उन्होंने बताया कि उनके खाते में हालांकि पैसा अंतरित किया गया था, धनराशि भेजी गई थी आवास की, पर उस धनराशि को वो बता रही हैं कि उनके द्वारा प्रधान को दे दिया गया ताकि और घर का निर्माण नहीं किया गया, आवास का निर्माण नहीं किया गया। तो इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी और BDO को तत्काल 24 घंटे में ये निर्देश दिए हैं कि जानकारी लेंगे, पूरी जाँच करेंगे और विधिक कार्रवाई करेंगे और इनकी जो समस्या है उसका निस्तारण तत्काल करेंगे। सर पहली किस्त जब जारी होती है तो जब लेंटर स्तर तक का लाभार्थी का मकान बन जाता है तो जियो टैग किया जाता है, उसके बाद दूसरी किस्त निकाली जाती है,